दिल्ली की सबसे चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में 1500 रुपए से स्टार्टिंग होती है। Hey what is up everyone, I hope you guys are doing well. So guys today I am here with my another new video. और guys आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं the cheapest instrument market of Delhi. इसका मतलब सेकंड पार्ट बन रहा है हमारा। So बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास ये भी आए थे कि सेकंड पार्ट बनाओ सेकंड पार्ट बनाओ। फाइनली आज मैं सेकंड पार्ट बना रहा हूँ। So without wasting any more time let's get started. So guys फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली की सबसे चीपेस्ट इंस्ट्रूमेंट मार्केट में। और आज जो हम दुकान कवर करने वाले वो होगी गूंज म्यूज़िकल गैलरी। तो इस दुकान का नाम आपने पहले भी बहुत सुना होगा, मतलब ये बहुत जैसे कहते हैं ना जाने माने डीलर हैं इस मार्केट के। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं अभी हम आ चुके हैं गूंज म्यूज़िक गैलरी में और ये अंकल ओनर हैं यहाँ के। तो आज कौन दिखाएगा अंकल गिटार वगैरह प्राइजेस? मैं दिखा दूँ, आप ही दिखाएंगे। तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम शुरू करने वाले हैं आज गिटार से शुरू करते हैं। तो अभी जो सबसे कम रेंज गिटार की है वो किससे शुरू होती है? हमारी सबसे कम रेंज 1500 रुपए से स्टार्टिंग होती है। अच्छा 1500। ये देखिए गिब्सन का गिटार है 1500 रुपये, बहुत अच्छी क्वालिटी का है। गिब्सन का गिटार मिल जाएगा। और वैसे ये कहाँ का बना हुआ है गिटार? ये कलकत्ता में बनता है। अच्छा कलकत्ता, ये कलकत्ता में बनता है। और इसका जो वुड है, इसकी जो वुड है ये मेपल्स वुड में बनता है। मेपल वुड का है। और ये जो इसका नेक है ये रोज वुड का होता है। और इसका ये जो ब्रिज होता है ये भी रोज वुड का होता है। इसकी चाबी भी देखिए, चाबी भी इसकी अच्छी चाबी है, पीछे से कवर्ड होती है, पूरी कवर्ड चाबी है इसकी। और ये खराब ट्रस्ट रोड के साथ है। अच्छा अंदर रोड, ट्रस्ट रोड है, ट्रस्ट रोड के साथ है ये गिटार। बहुत बढ़िया गिटार है। टकीमा का 4500 रुपए का गिटार है ये। और विद इक्वलाइजर है, इक्वलाइजर भी है इसके अंदर। इसमें इक्वलाइजर के साथ 4500 रुपए में है। और ये जो कंपनी है देखिए ब्राज़ील की, मेड इन ब्राज़ील की कंपनी, मेड इन ब्राज़ील। और इसकी वारंटी 3 ईयर है, 3 साल कंपनी वारंटी देती है। बहुत अच्छी इक्वलाइजर, बाकी थोड़ा नेगोशिएबल है। हाँ थोड़ा बहुत अगर हो जाता है, वैसे तो हमारा फिक्स प्राइस होता है। हाँ जी कोर्ट। अच्छा कोई गिटार ट्यून है? ट्यून है ना, हल्का ट्यून है ये। तो गाइस की आवाज़ चेक करते हैं। आवाज़ तो बहुत अच्छी है। इसका क्या प्राइस रहेगा? मेड इन इंडोनेशिया है, मेड इन इंडोनेशिया। 9000 का गिटार है। अच्छा 9000 का है। आप लोग देख सकते हो ये गिटार तो मतलब बहुत ही ऑसम। इसका कलर जो है वो भी कुछ यूनिक सा है। और फ्रेट बोर्ड पे भी अलग सा ही डिज़ाइन बना हुआ है, ऐसा लकड़ी वाला रोजवुड। और पीछे से देखोगे तो भी कुछ मतलब यूनिक ये गिटार बहुत अच्छा है। इसकी जो कीज है वो भी कवर्ड रहेंगी। और ये कंपनी है इसकी कोर्ट की, 1 ईयर वर्क कंपनी इसकी वारंटी देती है। अच्छा 1 ईयर इसकी कंपनी। ब्रांडेड गिटार है सबकी वारंटी 1 ईयर होती है। जितने ब्रांडेड जो गिटार होते हैं उन सबकी 1 ईयर की वारंटी होती है। क्या है ये आपका टोरस? इसका डिजाइन ही अलग है, इसका कट ही अलग है। हाँ ये वाला यहाँ से कट होता है ऐसे हाथ, इसलिए देखिए पूरा आपका मोहगनी वुड है। ग्लॉसी फिनिश में ये गिटार मिलेगा आपको, पूरा बिल्कुल शाइन मार रहा है, आगे भी पीछे भी पूरी बॉडी इसकी ग्लॉसी ही है। कास्ट ऑयल वाली चाबी है इसकी, इसकी भी 3 ईयर वारंटी है। अच्छा इसका क्या प्राइस रहेगा? ये 5500 का गिटार, 5500 का। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, मतलब कि ये वाला जो गिटार है इसका एक तो लुक बहुत अच्छा है, उसके बाद वारंटी इसकी, वारंटी 3 ईयर्स की इसकी वारंटी मिल जाती है। और मतलब बहुत चीप प्राइस में आपको ये गिटार अवेलेबल हो जाता है 5000। और ग्लॉसी फिनिश भी मिल जाती है आपको इसके अंदर। ये देखिए जी डेनमो का गिटार है, ये सोलेट टॉप गिटार है। ये आगे पूरा सोलेट है। और ये पूछे पूरा महोगनी है, महोगनी, ये भी महोगनी वुड में गिटार है। बहुत अच्छा गिटार है, 4500 का, 4500। बाकी अगर ऐसा हो कि किसी को अलग से इक्वलाइजर लगवाना हो, वो इक्वलाइजर हम लगा देते हैं। एक्वलाइजर मतलब किस रेंज से शुरू हो जाते हैं? एक्वलाइजर आपका ये समझिए 1000 रुपए से स्टार्टिंग हो जाता है। अब मेरे को एक बार सबसे मतलब जो एक्सपेंसिव गिटार, महंगा गिटार, वो कौन सा मिल जाएगा? सबसे महंगा फेंडर का मिल जाएगा, यामा का मिल जाएगा। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कलर सारे के सारे अवेलेबल हैं यहाँ पे। ये आ गया फेंडर का गिटार। तो गाइस इसको एक बार ट्यून करके बजा के देखेंगे। और इसका क्या प्राइस रहेगा? ये प्राइस रहेगा आपका 10,500। 10,500 पूरा ग्लॉसी फिनिश, पियानो फिनिश। और उसके बाद ये कहाँ का है? डिजाइनिंग USA। डिजाइनिंग भाई USA होता है। USA। तो गाइज अभी हमारे पास फेंडर का गिटार ट्यून कर लिया है हमने, पियानो फिनिश के अंदर ये वाला गिटार है। और इसका जो फेंडर का मॉडल नंबर है इसका FA 125। तो अब इसको एक बार ही बजा के देखते हैं कैसी इसकी आवाज़ होने वाली है। बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। इसके बाद हम चलते हैं अब कैजॉन। तो गाइस ये दो क्लैप बॉक्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा सबसे चीपेस्ट ये वाला है, इसका क्या प्राइस होगा? इसका 2500। इसका रहेगा 2500 इस वाले का प्राइस। और इस वाले का क्या रहेगा? ये 28। तो इसके अंदर में थोड़ा जो आवाज़ का डिफरेंस होगा थोड़ा बहुत बिल्कुल ज़रूर होगा। हाँ हम बजा के देखिए। तो एक बार इसका आवाज़ का डिफरेंस चेक करते हैं कैसा रहेगा। इसके अंदर बेस भी कम आ रहा है। ये वाले इम्पोर्टेड है। तो गाइस इसको बजाने के बाद जो मुझे फील हुआ इस वाले के अंदर, मतलब आवाज़ इसकी भी ख़राब नहीं है, बट जो थोड़ा बेस है वो हल्का सा कम है इसके मुकाबले। इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बेटर है, मतलब वो आपने सुनी ली है जो भी मैंने बजा के दिखा दिया है आपको। तो ये दोनों कैजॉन रहने वाले हैं, इनका प्राइस मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं ढोलक की साइड। इसका प्राइस है 2000। प्रोफेशनल ढोलक है। अच्छा प्रोफेशनल ढोलक है। 2000 इसका प्राइस रहने वाला है। शीशम वुड है। शीशम वुड है इसकी। और जो ये रस्सी नट बोल्ट में है। अच्छा रस्सी नट बोल्ट में है। और ये स्किन किसकी होती है? ये वाली स्किन ये बकरे की खाल की होती है। अच्छा बकरे की खाल की होती है। हम इस ढोलक की वारंटी 5 ईयर देते हैं। अच्छा अगर इसकी लकड़ी फट जाए तो हम नई ढोलक देते हैं। तो हमारी पूरी गारंटी होती है ढोलक वगैरह की, लकड़ी की पूरी गारंटी होती है। बाकी खाल की तो खैर गारंटी नहीं होती है, अगर कोई चीज़ इसमें लग जाए तो वो फट सकती है। बाकी इसकी पूरी गारंटी, लकड़ी की इनकी पूरी गारंटी रहती है। मतलब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है आपको वुड में तो ये अपने आप उस चीज़ को हैंडल कर लेंगे। मतलब 5 साल की वारंटी है। 5 साल में कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो ये चेंज करके देंगे, आपको दूसरी ढोलक दे देंगे ये वाली, फिर आप अपने पास रख लेंगे। बिल्कुल। तो ये मतलब कि आप लोग देख सकते हैं 800 से शुरू हो जाती है। 800 मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा चीप है। और हाईएस्ट कितने जाते हैं फिर 800? हाईएस्ट तो 8000 तक की ढोलकें आती है हमारे पास। अच्छा अच्छा। जैसे विजय साल होगी। हाँ जी। या शीशम वुड हुआ, प्रोफेशनल ढोलके। तो इसकी एक बार आवाज़ चेक करते हैं। लेकिन बहुत आवाज़ बहुत अच्छी है इसकी। गाइस गूंज म्यूजिक गैलरी पे आपको पता चल गया है कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं बिल्कुल विश्वास वाली चीजें हैं, खुद अंकल रेडी करवाते हैं ये सारी चीजें मिल जाएंगे। तबले आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग रखे हुए हैं सारे, तो ये भी खुद रेडी करवाते हैं इन तबलों को भी। बस आयरन का भी मिल जाएगा, हाँ जी, कॉपर मिल जाएगा, और स्टील मिल जाएगा, स्टील भी मिल जाएगा ये वाला। ये क्या चीज़ है? ब्रास, पीतल का भी मिल जाएगा। अच्छा ये ब्रास का है। सारी क्वालिटी के सारी क्वालिटी इनके पास मिल जाएगी। तो अंकल जो हमारे तबले के जो प्राइसेस होंगे वो किस रेंज से शुरू हो जाते हैं? देखिए हमारे यहाँ जो तबले हैं, हाँ जी, 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं। 3000 से स्टार्ट हो जाते हैं। लोहे का है 3000 रुपए का है, स्टील का है 3500 रुपए का है, 3500, पीतल का है 5000 से स्टार्ट हो जाता है। पीतल का 5000 से स्टार्ट होता है। तो उसके बाद हम आ जाते हैं एक बारी दारबुका पे। देखिए हमारे पास दरबुका, ये किस रेंज से स्टार्ट हो जाएंगे आपके पास? ये 4000 से स्टार्टिंग है। ये प्रोफेशनल है, इसकी साउंड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। आवाज इसकी बहुत ज्यादा ही लाउड होती है एकदम, और शार्प भी होती है। प्राइस इसका रहेगा 4000 रुपीज। तो बाकी अगर हम इनकी तरफ हारमोनियम की तरफ जाए तो ये किस रेंज से स्टार्ट होते हैं? हारमोनियम भैया हमारे पास 4500 से स्टार्टिंग हो जाती है हारमोनियम। 4500 से, हाँ। और इसके अंदर मतलब मैक्सिमम कितना जाते हैं? मैक्सिमम तो 1 लाख 1.5 लाख तक के भी है। अच्छा, ये आपको मैं एक हारमोनियम अच्छा सा निकाल के आपको दिखाता हूँ। हाँ जी, तो गाइस ये हारमोनियम अंकल ने निकाला है, फिर इसके बारे में बताइए कुछ। देखिए कैल की लकड़ी से बना हुआ है। कैल की लकड़ी से बना हुआ है, ये हमारे खुद मैन्युफैक्चरिंग है इसकी। अच्छा, मात्र 7000 का। 7000 का 3.5 सप्ताह का हारमोनियम, और इससे कम का भी आता है। 6500 रुपए का भी मिल जाएगा, 6000 का भी मिल जाएगा। स्टार्टिंग इसकी स्टार्टिंग हमारी 4500 से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी। अंकल ने जो निकाल के दिखाया है वो चीप में बेस्ट क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी चीप प्राइस में है ये, जो कि हमारा रहेगा 6500। 6500 इसकी बहुत ही ज़्यादा औसम, मतलब इतनी तेज आवाज़ है इसकी। ये कलकत्ता का बना हुआ है बाजा है, ये पूरा लॉक हो जाता है। ये देखिए आप अपना नंबर सेट करके भी इसको लॉक कर सकते हैं। एकदम ठीक है, ये ऊपर आ गया। और ये सारी इसकी चाबी वगैरह सारी कवर्ड होती है। अच्छा, इसकी की वगैरह सारी कवर्ड है। कवर्ड है। पहली बात ये है कि ये बाजा पूरा खुल जाता है। अच्छा, देख रहे हो गाइस इसकी फिनिशिंग, मतलब कितना औसम लग रहा है। खुल गया है पूरा, ये शेरो लाइट से इसकी सारी फिनिशिंग की हुई है। ये देखो, ये पूरा बाजा आप खोल के देखो। ओह, अच्छा ऐसे भी खुल जाता है ये। देखिए 3 लाइन का बाजा है, 1 2 3 3 लाइन, राइट, 3 लाइन का बाजा है, और सागवान की लकड़ी से बना हुआ है पूरा। इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी देखो कितना सुंदर है। मेरे ख्याल से इसका जो साउंड है वो पिछले वाले से और ज़्यादा लाउड है ना। बहुत अच्छा साउंड है, हाँ, इसका। वो तो है, सारा ब्रांडेड रेट लगी हुई है इसके अंदर। हाँ जी। और इसका क्या प्राइस रहने वाला है फिर? ये पड़ेगा आपको 25000। 25000 का ये हारमोनियम रहने वाला है। और बाकी मतलब आवाज़ जो इसकी है और जो फिनिशिंग है, कवर वगैरह सारी चीज़ देख के मतलब लग रहा है कि हाँ 25000 वर्थ इट है। बाकी थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो जाता है ना। ये देखिए यहाँ से ये क्लीज दबाएंगे हम, ओनली क्लीज दबानी है ये, और ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। और ऐसे ही ये आप ऊपर से पकड़ेंगे क्लीज को छोड़ के। अच्छा, अब आपने जैसे कि देख लिया है गूंज म्यूजिकल गैलरी जो है, यहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है, सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई ऐसा लगता है कि बाई चांस कुछ नहीं आपको दिख रहा, तो आप कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को भी कवर करेंगे। और बाकी मैं नंबर वगैरह सब चीज़ दे दूंगा, रेट वगैरह जो चीज़ भी आपको कंफर्म करनी है वो आप कॉल करके कर सकते हैं। तो और बाकी अगर आप आते हैं और वीडियो के रेफरेंस से आते हैं तो थोड़ा बहुत डिस्काउंट आपको ऑब्वियसली मिलेगा। मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने आज कवर कर दिए हैं। तो गाइज, ये अंकल की शॉप का जो कार्ड है, नीचे एड्रेस लिखा हुआ है और यही नंबर मिला लेना आप। उसके बाद पीछे तो कुछ नहीं है, ये नंबर है, इस पर आप पूछ सकते हो कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में। और ऐसे सारे इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे अवेलेबल होने वाले हैं। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डू देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर माई वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।